तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़मैन चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऋषभ पंत वर्सेज उर्वशी रटौला के बारे में। भाई इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इसकी शुरुआत 3 दिन पहले होती है। दरअसल उर्वशी रटौला ने बॉलीवुड हंगामा चैनल पर अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जब वो दिल्ली में शूट कर रही थी, एक आरपी नाम का आदमी उनसे मिलने आया था, लेकिन वो मिल नहीं पाई, वो थक चुकी थी, वो सो गई थी और वो आरपी नाम का व्यक्ति वेट कर रहा था उसका काफ़ी। फिर बाद में जब उठी तो देखी कि मोबाइल पे 13 मिस्ड कॉल है। तब फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि जब आप मुंबई आओगे तब हम मिलेंगे। तो फिर उन्होंने बाद में मुलाकात भी दोनों। और इस इंटरव्यू के बाद ऋषभ पंत ने भी अपना एक स्टोरी लगाया। उन्होंने लिखा कि इट्स फनी हाउ पीपुल लाई इन इंटरव्यूज जस्ट फॉर सम मीगर पॉपुलैरिटी एंड फॉर हीटिंग द हेडलाइन। सेड हाउ सम पीपुल आर सो थ्रस्टी फॉर फेम एंड नेम। मे गॉड ब्लेस देम, मेरी पीछा हैशटैग मेरी पीछा छोड़ो बहन। झूठ की भी लिमिट होती है। इसलिए उनका कहना है कि इंटरव्यू में लोग आजकल कितने झूठ बोल रहे हैं सिर्फ फेमस नेम और फेम कमाने के लिए, ताकि उनका नाम का हेडलाइन बने। ये पोस्ट वायरल होने के बाद उर्वशी रटौला रक्षाबंधन के दिन यानी कल उन्होंने एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मैं क्योंकि मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विथ यंग किड्डो डार्लिंग तेरे लिए। हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो। हैशटैग आरपी छोटू भैया। हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल। तो भाई देखते हैं, अभी तक तो ऋषभ पंत का इस पोस्ट पे रिएक्शन नहीं आया है। हमें लगता है आएगा जरूर से, क्योंकि पोस्ट ही इतना खतरनाक है। वैसे जब भी आएगा तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो लक्षा चौधरी ने भी इन दोनों के बीच हुए कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि ऋषभ पंत वर्सेज उर्वशी रटौला द बेस्ट एयर ऑफ लफड़ा सो फार। दोस्तों हम बढ़ते अगला अपडेट की ओर। हम बात करते हैं ध्रुव राठी से रिलेटेड। तो ध्रुव राठी ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फन फैक्ट, बायकॉट गैंग फेवरेट एक्टर SSR प्लेड द रोल ऑफ पाकिस्तान गाय इन देयर मोस्ट हेटेड फिल्म PK, येट दे विल नेवर टॉक अबाउट दिस। तो बेसिकली उनका कहना था कि ये जो बायकॉट गैंग है, उनका फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो मोस्ट हेटेड फिल्म है PK में एक पाकिस्तानी गाय का, पाकिस्तानी आदमी का, पीपल का उन्होंने किरदार निभाया है, फिर भी उसके बारे में वो लोग बात नहीं करते हैं। और इस ट्वीट के बाद उन्हें काफ़ी हेट भी मिलने लगा। कुछ यूजर ने लिखा कि मेरे स्कूल में सिखाए गए थे कि मरे हुए व्यक्ति को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। कुछों ने लिखा कि अगर इतना ही बुद्धि होती तो आप IAS IPS बन जाते। और तो ध्रुव राठी लाल सिंह चड्ढा मूवी पर भी रिएक्ट करते हुए लिखा कि लाल सिंह चड्ढा इज ए मास्टरपीस एंड मस्ट वॉच इन माई ओपिनियन। आई हैव सीन फॉरेस्ट गंप एंड लव इट, बट दिस इज इवन बेटर बिकॉज इट्स मोर रिलेटेबल विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऑल्सो अमीर कैरेक्टर इज स्लाइटली मोर चेयरफुल अपलिफ्टिंग दैन टॉम हैंक्स वन विच आई लाइक बेटर। और उसके बाद लक्षा चौधरी भी इस मूवी पर रिएक्ट करते हुए ये फोटो लगाया और उन्होंने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा वाट ए मूवी, जस्ट लव दिस सीन। तो गाइज हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की और हम बात करते हैं हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। तो हर्ष बेनीवाल का एक नया वीडियो आया है हीर वर्सेज वीर रिटर्न्स। तो इस वीडियो में जब वो गाली वाला सीन आता है तो उस पर बीप लगा दिया। इसको लेकर काफ़ी सारे फैंस को शिकायत थी जो ये बीप क्यों लगाया है, तो उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ कहा। आप खुद देख लीजिए वीडियो। हे गाइज, हमारी वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रही है पूरे इंडिया में। थैंक यू सो मच गाइज, आपके प्यार की वजह से नंबर 1 आ गई ये वीडियो। एंड जो लोगों को शिकायत कर रहे थे कि भाई गाली बीप क्यों कर दी वीडियो में, तो उसका रीजन ये था कि यार मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी चेक करने के लिए और उसकी रीच रुक गई थी, तो इस चक्कर में मेरे को रीअपलोड करनी पड़ी। मतलब वो आपको नहीं पता हो, मैंने बैक एंड पे करी थी, रीअपलोड करनी पड़ी बीप करके, तो ताकि सबको रीच मिल सके, वीडियो की प्रॉपर रीच मिल सके, सबके पास पहुंच सके और मोनेटाइजेशन ऑन रहे, इसलिए मेरे को बीप डालनी पड़ी। तो उसके लिए माफी, बट क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं, सॉरी गाइस। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड। तो ट्रिगर्ड इंसान का फोटो ग्लोबल यूट्यूब ने पोस्ट किया। यूट्यूब इंडिया का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल यूट्यूब ने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि ट्रिगर्ड इंसान वॉचेस ऑल द मीम्स सो यू डोंट हैव टू लुक। उसके बाद ट्रिगर्ड इंसान ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा कि ग्लोबल यूट्यूब और शॉक वाला इमोजी देख सकते हैं आप। लिखा कि यूट्यूब थैंक यू। उसके बाद इस फोटो के नीचे यूट्यूब इंडिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ट्रिगर्ड इंसान सो प्राउड ऑफ यू, कीप साइनिंग एंड ग्रोइंग। उसके बाद ट्रिगर्ड इंसान ने रिप्लाई दिया कि यूट्यूब इंडिया आई लव यूट्यूब। तो भाई आज के लिए इतना ही, ज़्यादा न्यूज़ मैं नहीं देता हूँ, बोरिंग हो जाता होगा आप लोगों को। अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।